नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। टेक्निकल एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यस बैंक की, जो कि आज इसने शतक तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, लोग क्रिकेट में या कुछ भी कीर्तिमान स्थापित करते हैं और शतक बनाते हैं, आज इसने अपना शतक तोड़ दिया है यस बैंक। दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, इसने करीबन हाई दिए थे। ये हाई नहीं है, हाई तो इसने पिछली बार लगाए थे करीबन 400 के आसपास के, ठीक है दोस्तों, वहाँ से गिरा ये और आज इसने शतक तोड़ दिया। यानी कि मल्टी बैगर जो बोलते हैं, एक का दो, दो का चार, या एक का चार या एक का दस, ठीक उसका उल्टा हुआ है यहाँ पर। यानी कि चार का एक हुआ है, 75% डिस्काउंट में मिल रहा है ये शेयर। तो क्या आपको अभी खरीद लेना चाहिए? मेरे एक रिलेटिव है, मामा जी हैं, उन्होंने 140 के आसपास मुझे बताया था कि ये एक मल्टी बैगर शेयर है। और मैंने उस समय भी उनको बोला था कि ये मल्टी बैगर नहीं है, ये पैसे डुबाने वाला शेयर है। 100 के आसपास इसमें वैल्यू बाइंग देख सकते हैं। वैल्यू बाइंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक मिनट में कुछ बताता हूँ आपको टेक्निकली, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। ये मैंने RSI पोर्ट कर दिया है। अब RSI की चीज़ें कैसे पता चलेगी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखते हैं, मैंने ट्रेंड लाइन फॉलो करी, मतलब ड्रॉ करी, सॉरी। ट्रेंड लाइन पे देखिए, ये जब लो बनाया था 100 का, उस समय RSI था 21 पे। अब इसने आज वापस 96 के पास क्लोजिंग दिया है, लेकिन RSI 21 पर नहीं आया है। RSI कहाँ है अभी? 26 पे, ठीक है। तो RSI पे हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चले गया है, ओके हो गया, ठीक। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि कीमतें लो बनाई जा रही है, लेकिन RSI लो नहीं बनाता है, या कीमतें लो नहीं बनाती लेकिन RSI लो बना देता है, तो डाइवर्जेंस होता है। अब इस केस में हमें ये मिलता है देखने को, या RSI हमें ये इंडिकेट करता है कि कीमतें तो गिर रही है, लेकिन कोई वीक सेलर है जो इसको सेल कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग सेलर रहता और वो इसको सेल करता, तो वो हमें इस स्ट्रेंथ वाला जो इंडेक्स होता है, ये जो RSI होता है, इसमें हमें ज़रूर देखने को मिल जाता। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, 280 के आसपास था, RSI था 78 के पास। अब 288 से गिरा यहाँ पर, मान लीजिए 232 पे आया, RSI 78 से 35 पर आ गया, यानी कि आधे से ज़्यादा गिर गया। फिर लोअर लो बनाया इसने, फिर RSI गिरा इसका, यहाँ पर लो बनाया, RSI गिराया इसने, फिर थोड़ा सा हाई बनाया, RSI यहाँ से बढ़ के यहाँ आ गया। अब लो बनते जा रहा था, RSI भी लो बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, इसका ये मतलब है दोस्तों कि या तो हो सकता है ये सारी डिलीवरी जिन लोगों ने उठा रखी है, उनकी बिकवा के कोई स्मार्ट बाइंग यहाँ पर आ जाए। और यदि स्मार्ट बाइंग आती है तो आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है कि यहाँ एक वैल्यू बाइंग है, आपको हो सकता है 90 के आसपास भी मिल जाए दो चार दिन में, लेकिन यहाँ से अब इतना बुरा नहीं है, ये कोई जीरो होने वाला नहीं है कोई, ये मतलब ऐसा नहीं है कि जेट एयरवेज जैसा कंपनियाँ बंद हो रही है या कुछ चीज़ें, जिसमें का ऑपरेशन सामान्य चल रहा है, कुछ हड़बड़ी है लोगों में, कुछ डर बना हुआ है, उसी के चलते ये यहाँ पर आया है। दोस्तों, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है, ऐसे कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर भेजिए। क्योंकि जो इनोसेंट इन्वेस्टर हैं, जिनको नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस कैसे चीज़ें काम करती, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, मार्केट को देखने का कौन सा नज़रिया ठीक रहेगा, किस नज़रिए से हम देखें ताकि उसमें हम पैसा बना पाएँ, तो लोगों के पैसे बचाइए, खुद भी बचाइए, लोगों के पैसे भी डूबने से बचाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। मेरे सारे वीडियो शेयर ना कर सके, लेकिन कम से कम ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों के पैसे डूबने से बच सकें। और दोस्तों, अंत में ये कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे।